रूस यूक्रेन जंग के दूसरे साल में यूक्रेन अब डिफेंसिव से ज्यादा ऑफेंसिव होने की तैयारी कर रहा है। जी हां, अमेरिका और यूरोप ने भी इशारा कर दिया है कि हथियारों की कमी नहीं होगी। ब्रिटेन ने तो लॉन्ग रेंज वेपन देने का ऐलान किया है। अब यूक्रेन का प्लान न सिर्फ खुद को बचाना होगा बल्कि रूस की टेरिटरी में अटैक करना होगा। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी क्रीमिया से। जी हां, सही सुना आपने, क्रीमिया से। जो क्रीमिया कभी यूक्रेन का हिस्सा था लेकिन साल 2014 में रूस ने क्रीमिया को यूक्रेन से हमला करके छीन लिया था। अब यूक्रेन क्रीमिया की लड़ाई लड़ेगा, यानी अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव मोड में नजर आएगा यूक्रेन। वही क्रीमिया जो पुतिन की दुखती रग है। ऐसे में अगर यूक्रेन क्रीमिया में हमला करता है उसे वापस खुद में मिलाने के लिए, तो फिर पुतिन के उस गुस्से को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन इन सब के बीच रूस ने क्रीमिया का डिफेंस बढ़ा दिया है, ब्लैक सी में वॉरशिप को डबल कर दिया है। तो सवाल क्या उठते हैं? सवाल ये उठते हैं कि क्या वॉर का अगला सेंटर पॉइंट क्रीमिया होगा? ये क्यों होगा और ऐसा क्यों हमें लग रहा है? हम आपको क्यों ये कह रहे हैं, ये सब कुछ विस्तार से आगे हम आपको बताएंगे। सवाल ये भी कि क्या नाटो ने यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल इसके लिए दे दिया है कि आप क्रीमिया पर अटैक करके इसको वापस खुद में मिला लें? सवाल तो ये भी है कि क्या यूक्रेन ने क्रीमिया का प्लान पूरा बना लिया है, यानी अब सिर्फ उस पर एक्शन बाकी है? सवाल ये भी अगला कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट अब क्रीमिया बनेगा, क्योंकि क्रीमिया कमजोर कड़ी है इन दोनों के बीच में। 2014 में रूस ने अटैक करके खुद में मिला लिया था, लेकिन यूक्रेन क्या क्रीमिया को वापस पाने की लड़ाई शुरू करेगा? लेकिन बड़ी खबर यह है कि क्रीमिया की लड़ाई जल्द शुरू कर सकता है यूक्रेन। दरअसल ये बात सीधे सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद कही है। उन्होंने कहा कि हम सैन्य मोर्चे पर तैयारी कर रहे हैं, हम सैनिकों को अटैक के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इसको इस तरीके से समझिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब युद्ध के एक साल पूरा होने पर यह कह दिया कि हम क्रीमिया को वापस पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, आर्थिक रूप से हम तैयार हो गए हैं, अब हमें सिर्फ इसके लिए जो टेक्निकल तैयारियां हैं वो करनी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। क्रीमिया की जंग अब आप बहुत तेजी से इस रूस यूक्रेन युद्ध में देख सकते हैं, यानी क्रीमिया को वापस पाने की जो लड़ाई है उसकी शुरुआत यूक्रेन की तरफ से की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो पुतिन के गुस्से को फिर कोई रोक नहीं पाएगा, और उसके बाद अगला कदम पुतिन का क्या होगा, ये आशंका अभी से गहराने लगी है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिया, चलिए आपको वो भी हम सुनवा देते हैं कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा क्या है। तो क्रीमिया की लड़ाई जल्द शुरू करेगा यूक्रेन, ये बात ज़ेलेंस्की ने खुद कही है। उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्रीमिया को लेकर के क्या आपकी कोई तैयारी है, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने यह कहा कि हम क्रीमिया को लेकर के अपना मन बना चुके हैं। तो चलिए आप खुद ही सुन लीजिए कि ज़ेलेंस्की ने आखिर इस सवाल के जवाब में कहा क्या। उन्होंने देखिए ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाँ, क्रीमिया को वापस पाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा मानसिक रूप से तकनीकी रूप से हम इसे के लिए तैयारी कर रहे हैं, हथियारों सेना ऑफेंसिव ब्रिगेड हर मोर्चे पर हमारी तैयारी जारी है, हम ट्रेनिंग के लिए जवानों को भेज रहे हैं और हमें हर हाल में तैयार रहना होगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि भविष्य में क्रीमिया की आजादी के लिए उचित एक्शन लेंगे, भगवान ने चाहा तो हमें सफलता मिलेगी। तो मानसिक रूप से हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं, यानी कि अटैक क्रीमिया में करने के लिए ज़ेलेंस्की तैयार हो चुके हैं, बस उसके लिए जो टेक्निकल तैयारियां हैं वो उन्हें करनी है। और चलिए अब आपको मैप के जरिए हम पूरा जो ये इलाका है उसके बारे में थोड़ी और जानकारी देते हैं, उससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर रूस के लिए क्यों जरूरी था जब साल 2014 में अटैक करके रूस ने क्रीमिया को खुद में मिलाया, और उसके बाद अब क्या है, अब क्यों क्रीमिया को वापस पाने की जद्दोजहद में यूक्रेन लगा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको यहां से समझाती हूँ। ये रूस है जो लाल हिस्से में आप देख रहे हैं, ठीक है, रूस के बगल में ये हरा जो हिस्सा है ये है यूक्रेन। क्रीमिया का है, ये क्रीमिया है, ये देखिए यहाँ पे क्रीमिया है, ये रूस जो यूक्रेन का निचला हिस्सा है वहां पर है, और इसे अपने आप में 2014 में एक्शन लेकर के रूस ने मिला लिया है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये अजोव सागर है, अजोव सागर। अब ऐसे में जो ये यूक्रेन का ईस्टर्न एरिया जो डोनबास वाला इलाका है, जैसे कि डोनेस्क लुहांस्क ये जो तमाम इलाके हैं, मारियोपोल है, इसको तो पहले से रूस ने अब इस बार जो अटैक किया उसमें मिला लिया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अजोव सागर से यूक्रेन की कनेक्टिविटी जो है वो पूरी तरह से कट गई है। क्रीमिया को 2014 में मिलाया, ये जो ईस्टर्न रीजन है इसको अभी मिला लिया है रूस ने अपने आप में, तो अजोव सागर से अब कनेक्टिविटी यूक्रेन की नहीं रही है, जो कि एक बहुत बड़ा लॉस यूक्रेन के लिए है। इसके आगे आप देखिए ये ब्लैक सी है, राइट, ये ब्लैक सी में अब सिर्फ एकमात्र जो पोर्ट सिटी है वो है ओडेशा, जो कि अब ब्लैक सी में मिलती है, यानी यूक्रेन का सिर्फ एक ही अब जो पोर्ट सिटी है, जो टेरिटरी है वो यहाँ पर मिलती है। तो ऐसे में अगर क्रीमिया को यूक्रेन वापस लेने की कोशिश करता है तो आपको इस बात से भी समझना होगा कि फिर जो मुश्किलें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो ईस्टर्न रीजन है यूक्रेन का
उस पर अब दावा रूस ने ठोक दिया है। और ऐसे में क्रीमिया अगर वापस यूक्रेन पाने की जद्दोजहद करता है तो रूस के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा इस युद्ध में बढ़ती हुई हम देखेंगे। और चलिए हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए, हमारे साथ मेजर जनरल ए के सिवाच जुड़े हुए हैं। जनरल सिवाच, अभी हम मैप के जरिए बता रहे थे कि क्रीमिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। साल 2014 में रूस ने हमला करके क्रीमिया को खुद में मिला लिया था। ऐसे में अब जो ये बात जेलेंस्की की तरफ से कही गई है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं क्रीमिया को वापस पाने के लिए, किस तरीके से इसे देखते हैं और युद्ध पर क्या इंपैक्ट इसका हो सकता है? देखो श्वेता, अभी सच्चाई यह है कि जो लड़ाई है बड़े भयानक मोड़ पे आ गई। अब बार बार यूक्रेन कह रहा है कि हम रूस की टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे, मगर जो इलाका हमारा है और जो रूस ने लिया है हम उसको लेने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए वो डोनबस के इलाके में जापोरिजिया और खारासोन में करें। और क्योंकि क्रीमिया भी तो रूस का ने जबरदस्ती लिया था 2014 में, है तो यूक्रेन का हिस्सा, तो वो यूक्रेन के अपना जो हिस्सा घुमाया था 2014 में क्रीमिया को भी लेने की कोशिश करेंगे। ये यूरोप ने भी बार बार, अमेरिका ने बताया है कि जो यूक्रेन है वो वही ले रहा है इलाका या उस पर अटैक कर रहा है जो उसका था, और उसमें जो क्रीमिया है वो एक्चुअली जो है वो यूक्रेन का हिस्सा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे अभी जेलेंस्की, और ये एक वीक कड़ी है रूस की। उसकी वजह यह है कि जो ब्रिज है क्रिच ब्रिज, उसी से एक कनेक्टेड है रूस और क्रीमिया, और अगर इस ब्रिज को उड़ा दिया जाता है तो फिर लैंड कनेक्टिविटी हट जाती है क्रीमिया से रूस की। और जो आपने ठीक बताया सी ऑफ अजोव को डोमिनेट, और यूक्रेन की कनेक्टिविटी भी इससे हटी हुई है, तो यूक्रेन के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है ये एक बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स भी है, क्योंकि बार बार ये बताया जा रहा है कि अगर आप हमारा इलाका लेंगे तो हम वापस लेंगे, और जिस प्रकार से इसने डोनबस का इलाका और जापोरिजिया और खारासोन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में ले लिया था, मगर उसका जो 38-40% वापस को इस पर पहरा सख्त कर दे। चलिए आपको समझाते हैं कि रूस के खतरे के चलते यूक्रेन जिस तरह की बातें कर रहा है उसके बाद रूस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तो ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब क्रीमिया पर अटैक यूक्रेन की तरफ से किया जा सकता है उसे वापस पाने के लिए, ऐसे में 24 फरवरी को क्रीमिया पर बड़े हमले का जो डर था उसके लिहाजा से पहले से ही एहतियातन रूस की तरफ से यहां अलर्टनेस बढ़ा दी गई थी, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। यूक्रेन के खतरे के चलते रूस ने ये सुरक्षा को बढ़ाया था, क्योंकि ये खबर थी इंटेलिजेंस से कि 24 फरवरी को क्रीमिया पर बड़ा हमला किया जा सकता है। ब्लैक सी में वॉरशिप की संख्या दोगुनी कर दी गई है रूस की तरफ से, जो ब्लैक सी है क्योंकि वो सटा हुआ है क्रीमिया से, तो ऐसे में ब्लैक सी में वॉरशिप की संख्या को दोगुना करना साफ साफ बताता है कि किसी भी एक्शन का रिएक्शन के लिए रूस तैयार रहे। ब्लैक सी में रूस का मिसाइल कैरियर भी तैनात है। ये तो तमाम जो तैयारियां हैं एहतियातन रूस की तरफ से की गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन को पीछे खदेड़ा जा सके। 8 कैलिबर मिसाइलों के साथ फ्रिगेट भी रूस ने तैयार किए। रूस जानता है कि वहां पर कैसे वो अपना बचाव कर सकता है, कैसे क्रीमिया को बचा सकता है, लिहाजा चुन चुन कर हथियारों को वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा क्या सेवेस्तोपोल में एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए गए हैं, यानी कि अगर यूक्रेन की तरफ से हमले किए जाते हैं तो कैसे जो डिफेंस सिस्टम है वो उन हमलों को नाकामयाब बनाएगा। तो ये तमाम तैयारियां जो है वो रूस की तरफ से की गई है। और जनरल सिवाच, अभी तक इस युद्ध में एक साल के दौरान हमने ये देखा कि बहुत ही डिफेंसिव मोड में यूक्रेन की तरफ से सब कुछ चल रहा था, अपनी रक्षा वो जरूर कर रहा था लेकिन वो ऑफेंसिव नहीं था बहुत ज्यादा। अब क्रीमिया पर हमला करने की बात कहकर के क्या मैसेज जेलेंस्की ने दिया है? देखो पहली बात तो श्वेता, सच्चाई है कि पहले जो हथियार मिले थे यूक्रेन को वो डिफेंसिव थे, चाहे वो स्टिंगर मिसाइल थी, जेवलिन मिसाइल थी या स्विच ब्लेड ड्रोन थे, मगर धीरे धीरे ऑफेंसिव हथियार मिलने स्टार्ट हुए। M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर मिला, उसके बाद हाई मार्क मिला, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, बस्तरबद्ध गाड़ियां मिले, लाइट टैंक्स मिले, हैवी टैंक्स मिले, और अब जो बात हो रही है कि उनको मिल रहे हैं जो मेन बैटल टैंक ब्रिटेन के चैलेंजर 2, लेपर्ड 2 जर्मनी के अब्राहम एम और जेट एयर का, तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसको ऑफेंसिव हथियार मिल रहे हैं इसकी क्षमता बढ़ती जा रही है। और सच्चाई है कि ये डोनबस का जापोरिजिया खारासोन का जो इलाका है वो अब इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। अब इसने क्रीमिया पे अगर हमला करता है
तो कहीं ना कहीं बैकफुट पे तो पुतिन आएंगे, मैं मानता हूं। इतना आसान नहीं है क्रीमिया को लेना, ब्लैक सी पे उसने अपने जो सर्वेलेंस डबल कर दी है, अपनी फ्रिगेट और वारशिप को डबल कर दिया है। मगर यह भी सच्चाई है कि ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, ये यूक्रेन को नजर आया है कि 2014 में तो वो कमजोर था, बड़े आसानी से उसने क्रीमिया ले लिया। तो हो सकता है कहीं बैकफुट पे आके, एक तो ये हो सकता है पुतिन मान जाए कि भाई क्रीमिया हमारा ही है, ये डोनबास के इलाके से हम निकल जाएंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर क्रीमिया की लड़ाई होती है तो फिर ये लड़ाई किस मोड़ जा सकती है, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। मगर ये सच्चाई है कि यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि उड़ीसा जैसा कहीं उनको पास से निकल जाए, क्योंकि फिर ये लैंडलॉक कंट्री हो जाएगी। मुझे लगता है ये अब यूरोप की बहुत अमेरिका की सोची समझी साजिश है कि किसी तरीके से पुतिन को बैकफुट में डाला जाए, और पुतिन कभी नहीं कह सकते कि यूक्रेन ने रूस पे हमला किया है, क्योंकि जो क्रीमिया है वो रूस का हिस्सा नहीं है, वो जबरदस्ती उसने 2014 में मिलाया है। तो ये भी देखना है, एक बार इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अगर ये केस जाता है तो उसमें भी जो रूस वीक है, मगर ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। रूस ये बात कहां मानता है, पुतिन कहां मानते हैं? हाँ, वो ठीक है ना, अभी भी तो देखिए प्रस्ताव पास हुआ उसके खिलाफ, रूस के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, वोटिंग हुई उसको लेकर के, लेकिन रूस को वही करना है जो उसे करना है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है साल 2014 का यूक्रेन और आज साल 2022 जो पिछले साल हमने देखा, और आज साल 2023 का जो यूक्रेन है उसमें बहुत फर्क है। ज़ेलेंस्की किसी नायक की तरह उभरते हुए नजर आते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिमी देशों से लगातार उन्हें मदद मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि आपने बहुत अच्छा बोला कि ये बदला हुआ यूक्रेन है, इसके अंदर बहुत ही आत्मविश्वास है, और इसकी वजह है बहुत आधुनिक हथियार जो मिल रहे हैं नाटो और अमेरिका से। दूसरा मैन बिहाइंड द मशीन जो ज़ेलेंस्की, वो है तो मैवरिक पर है इंस्पायरेशन लीडरशिप। आज वो पूरा देश इकट्ठा खट्ठा हो गया यूक्रेन कि हम मर जाएंगे पर छोड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा बदलाव है यूक्रेन में भी। और उसको हथियार मिलते रहे तो यह लड़ाई आसान तो नहीं होगी, मगर रूस को भी कहीं ना कहीं बैकफुट पे। दूसरा एक ऑफेंसिव, मेजर ऑफेंसिव की बात हो रही है जिसको स्प्रिंग ऑफेंसिव बोला रूस करेगा कोई मार्च के लास्ट में या अप्रैल के बिगनिंग में। अगर इससे पहले ही इसने क्रीमिया पे हमला कर दिया तो फिर तो पुतिन बड़ा बैकफुट पे, क्योंकि बड़ा ऑफेंसिव हो सकते हैं सर, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ऑफेंसिव भी हो सकते हैं पुतिन, ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकते हैं। देखो ये भी आपने ठीक बोला, क्योंकि सच्चाई यह है कि पुतिन का अगला स्टेप क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि रूस के पास बहुत कुछ अब खोने के लिए बचा नहीं है। सर माफ कीजिए, आपको रोक रही हूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसको लेकर, वो पहले बताते हैं। लेकिन रूस भी तैयारियां पूरी कर रहा है, रूस के मोबिलाइज ट्रुप की ट्रेनिंग चल रही है, छोटे हथियार ग्रेनेड लॉन्चर की ट्रेनिंग रूस की तरफ से कराई जा रही है, जिसमें हर रोज घंटों कॉम्बैट की ट्रेनिंग करते हैं जवान। तो छोटे हथियार ग्रेनेड लॉन्चर की ट्रेनिंग रूस की तरफ से भी की जा रही है, क्योंकि रूस अब ये समझ चुका है कि पश्चिमी देश ऐसे ही जो लगातार हथियारों की सप्लाई है वो करते रहेंगे, मदद करते रहेंगे यूक्रेन की, और यूक्रेन अब ऑफेंसिव मोड में आ गया है। इसका मतलब ये युद्ध और भीषण होगा, और ऐसे में रूस के लिए बहुत जरूरी है कि अब हर तरीके से हर मोर्चे पर रूस को जवाब देना होगा यूक्रेन को, और इसके लिए तमाम जो ट्रेनिंग है वो चल रही है। सर जो बात हम कर रहे थे कि ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए एक साल बीतने पर रूस की बहुत किरकिरी हुई है, रूस का बहुत नुकसान भी हुआ है, अब रूस के पास यहां से पीछे हटने के लिए कुछ बचता नहीं है। ऐसे में अब आर या पार की लड़ाई है, अगर क्रीमिया पर यूक्रेन अटैक करता है तो रूस कोई बहुत ऑफेंसिव कदम भी उठा सकता है। हाँ उठा सकता है, मगर ऑफेंसिव के कदम उठाने पे से पहले वो सोच विचार करेगा कि जो ऑफेंसिव एक्शन उसने पहले किया था कीव में, खारकी में, खारासोन में, उससे उसकी बहुत किरकिरी हो गई थी, क्योंकि पूरा अटैक फेल हो गया था। और अब भी क्रीमिया बहुत वेल प्रिपेयर्ड है, उसके पास टैंक्स भी हैं, एंटी टैंक जो एयरक्राफ्ट गन्स भी हैं, और पेट्रॉइड मिसाइल सिस्टम भी लग गया है, एंटी टैंक के जो जेवलिन मिसाइल भी हैं। तो इतना आसान पुतिन के लिए यह अटैक होगा नहीं, पर यह भी सच्चाई है पुतिन किसी हद तक जा सकते हैं। अगर ये लड़ाई उसके हाथ से निकलती है तो वो न्यूक्लियर हथियार, या अगर चीन इसके अंदर दाखिल हो जाता, जो मुझे लगता नहीं चीन कभी भी दाखिल होगा, क्योंकि चीन अपना फायदा देख रहा है, उसको मालूम है कि उसको इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे अगर वो खुल के आता है रूस के साथ। उसका जो ट्रेड है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से $3 trillion से ज्यादा है, तो वो इकोनॉमी की लड़ाई भी तो है, ये भी समझना पड़ेगा। और दूसरा हमें यह देखना पड़ेगा श्वेता कि रूस अकेला लड़ रहा है, एक साल से ज्यादा हो गया है, उसको एक साल में कितना इकोनॉमी, तो 12वां नंबर है वर्ल्ड का, इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट होता है। हर दिन इट कॉस्ट अबाउट 10 to 12 crore rupees
इसी इलाके के अंदर जो जी खर्चा हो रहा है, तो इतना अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता बिल्कुल अकेला सही रूम। कह रहे हैं आप, तो यह भी सच्चाई है कि यहाँ पर यही वजह है कि अब एक साल इस युद्ध पूरा होने के बाद अब ऑफेंसिव मोड में यूक्रेन आने की तैयारी कर रहा है। एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ऑपरेशन क्रीमिया के लिए नेटो की मंजूरी मिल गई है। जी हाँ, यानी कि यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करके उसे खुद में वापस पाने की कोशिश कर सकता है, उसके लिए ब्रिटेन ने लॉन्ग रेंज वेपन की मंजूरी दे दी है। नेटो की तरफ से तमाम मदद मिलेगी, ये मंजूरी दे दी गई है यूक्रेन को। यूक्रेन को सैटेलाइट मदद भी नेटो करेगा ताकि रूस की हर हरकत पर, हर कदम पर सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन नजर रख सके और उस तरीके से ही जो अटैक है वो प्लान कर सके। सर, किस तरीके से देखते हैं क्रीमिया को वापस पाने की जो कोशिश यूक्रेन की होगी उस पर तमाम पश्चिमी देश मदद करेंगे, नेटो की मंजूरी भी इसको मिल गई है। पुटिन को कि 2014 में जो आपने क्रीमिया को जबरदस्ती इलीगली ऑक्यूपाइड किया था वो हम नहीं मानते, आपका हिस्सा है और वो वापस यूक्रेन में आना चाहिए। और इसी प्रकार से अमेरिका और नेटो कंट्री इसको ऑफेंसिव बेस्ट से बेस्ट वेपन दे रहे हैं। ये भी हमें समझना पड़ेगा जो रूस की टेक्नोलॉजी थी वो शायद थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है और ये भारत के लिए भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए अमेरिका और नेटो अब लेटेस्ट वेपन क्रीमिया की लड़ाई के लिए यूक्रेन को देंगे, जिस प्रकार से लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दे रहे हैं, रॉकेट भी दे रहे हैं, तो यह लड़ाई एक बहुत ही भयानक रूप ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना आसान होगा क्रीमिया को लेना, बड़ी बात मगर ये होगा जी, जी। मगर ये पक्का है कि पुतिन भी 10 बार सोचेंगे, बिल्कुल क्योंकि क्रीमिया जो है यूक्रेन के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखना होगा अगला कदम क्या होता है। सर, माफ कीजिए, आपको रुकना पड़ रहा है, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत में शामिल होने के लिए। सर, यूपी विधानसभा